सत श्री अकाल दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 5 बजे तक दीआं खास खबरां दे नाल मैं पुनीत कौर ते शुरुआत करदे आं मौसम दी खबर तों। पंजाब विच अगले 7 दिन मीह नहीं पवेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अगले 7 दिन यानी कि 1 अक्तूबर तक पंजाब विच मौसम खुश्क रहण दी संभावना प्रगटाई है। उधर भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि देश विच दक्षण पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू हो गई है। आम तौर पर मानसून की वापसी 17 सितंबर तो शुरू होती है पर इस बार ये 8 दिन पछड़ के शुरू हुई है। कैनेडा और भारत के विचाले विवाद को लेकर जिस तरह सिखा निशाना बनाया जा रहा उसनू लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हुण सख्त इतराज जाहिर किया है। SGPC के जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो वालों जिस तरह के नाल एक सिख के मामले में भारतीय एजेंसियों से इल्जाम लगाया गया उस तो बाद जांच विच सहयोग देने की थान सिख भाईचारे को सोशल मीडिया से ट्रोल किया जा रहा है। गरेवाल ने कहा कि सिख भाईचारे के खिलाफ एक नफरती सोच बनाई जा रही है। अमरीका की सरकार ने कैनेडा के सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर मामले की जांच विच सहयोग दिता और बाकी मुल्क भी जांच की पैरवी कर रहे हैं पर दो देशों के मुद्दे विच सिखा खिलाफ 1984 नसलकुशी वर्गी साजिश बनाई जा रही है। गरेवाल ने कहा कि इस विच गोदी मीडिया का बहुत वड्डा हाथ है और TV चैनलों से सिखा नू बदनाम कर रहे हैं। कंगना रनौत नू लैके भी गरेवाल ने कहा कि फिल्म अदाकारा कंगना रनौत वर्गे लोग भी सिखा नू देशभगती सिखाउण लग गए ने पर असीं इह देख रहे हैं कि ये सारे कासे दे विच सिर्फ सिख नू बदनाम किया जा रहा ये बड़ी वड्डी एक साजिश है जिहड़ी साजिश दे लई एक माहौल तैयार किया जा रहा। इस तरह का माहौल 84 दे विच भी पैदा किया गया सी। इंदिरा गांधी ने आपका राजसी एजेंडा लैके सिखा ते हमला किया सिखा नू मारिया दरबार साहब ते हमला किया अकाल तख्त सानू ढाया दिल्ली दे विच बहुत वड्डा कतलेआम होया ये एक उस समय ते पहला पैदा किया जिहड़ा माहौल सी। इह सारे कासे दे विच सब तो वड्डा रोल जिहड़ा हिंदुस्तान का वड्डी गिणती विच मीडिया मैं सारिआं नू दोष नहीं दिंदा जिहनू कही जांदे कहा जा रहा कि एक गोदी मीडिया जिहड़ा कि संघ पाड़ पाड़ के सिखां नू सिर्फ बदनाम करन दी गल करदा मामला भावें दो सरकार। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मुद्दे बारे बोलदिया कहा कि भारत और कैनेडा दरम्यान पैदा हुए डिप्लोमैटिक रेड़के विच पंजाबियों नू सब तो वड्डी मार पई है। उन्होंने केंद्र सरकार नू अपील की है कि पंजाबियों दीआं चिंतावां जल्दी दूर कीतियां जाण। बादल ने कहा कि भारत वालों वीजा सहूलतां बंद करन दी सब तो वड्डी मार पंजाबियों नू पई है जो कि वड्डी गिनती विच कैनेडा विच फसे हुए ने। सो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू बेनती करना चाहुंदा हां कि जल्दी तो जल्दी एदा फैसला बह के दोनों कंट्रीज बह के एदा सलूशन लभन क्योंकि लखां देश दे लोकां दीआं ओ जिहड़ियां मुश्किलां वध जाणगीआं लखां लोक अपने देश दे ते खास करके पंजाब दे कैनेडा च रह रहे है हर साल आउंदे है जांदे है। सो आ टेंशन जिहड़ी है बहुत वड्डी हुण हो गई है जिथे मैं हालात देखदा रहा। स्थानक नहरी विश्राम घर विच साबका कांग्रेसी विधायक संतोख सिंह भलाईपुर की अगवाई हेठ भी केंद्र सरकार के कैनेडियन भारतीयों लई रोक लगाउण दे फैसले विरुद्ध रोस मुजाहरा किया गया। विधायक संतोख सिंह भलाईपुर ने कहा कि बड़े दुख की गल है कि भारत सरकार ने वीजे ते पाबंदी लाउण दा हुक्म दिता है इस दे नाल कैनेडा विच वसदे पंजाबियों दे लई वड्डी मुसीबत पैदा हो सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार नूं अपील की है कि जिहड़ा हुक्म सरकार ने जारी किया है वह वापस लिया जाए। मैं भारत सरकार नूं बेनती करूँगा अपील करूँगा कि यह जिहड़ा वा जिहड़ा फरमान आ ये बंद किया जाए और इंडियन लोग जिहड़े साडे ने वसदे कनेडा दे विच वह जिहड़े आण के अपने परिवारां दे खुशियां दे उत्ते आ सकन और अपने भैणां भरावां दे विआहां दे विच आ सकन जे किसी नूं गमी है तो उहदे विच आ सकन ये जिहड़ा वा विजे जिहड़े आ उह इंडियन वास्ते खास करके इन्हां नूं खुली छुट्टी देनी चाहिए। कांग्रेस दे विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने एक बार फिर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सवालां दे घेरे विच लिया है। खैरा ने कहा कि उन्हां ने हमेशा पंजाब दे मुद्दियां दी गल कीती है मुख्यमंत्री एक कमेडियन होण दे नाते दूसरियां ते तंज कसदे रहिंदे ने। खैरा ने कहा कि मुख्यमंत्री वालों हर पासे ये प्रचार किया जाता है कि वह रंगला पंजाब बना रहे ने जद कि सच्चाई कुछ होर ही है। देश विच दूजे थावां ते पब्लिसिटी करके कहता ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ
किन्ने नवे हॉस्पिटल्स जिहड़े क्रिएट किए गए दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट बिल्डिंग। तो जे आप इदा ही मशकरियां वाली पॉलिटिक्स करनी आ तो एवं लोगों को झूठो झूठ ही तुरे जाना वा तो मुफ्तखोरी की राजनीति करनी आ तो फिर पंजाब जिहड़ा वा वह कभी भी आर्थिक संकट चो नहीं निकल सकता। लोगों को तो उम्मीद यही कि कहते असं बदलांगे आन के बदल का तो मतलब यह कि अपनी सिचुएशन ठीक कर दे अपने खर्चे घटा दे ते खर्चे कितने हो रहे हैं हजार हजार आदमी सिक्योरिटियां चल रहा वा दो दो तीन तीन करोड़ दी लेक्सस गड्डियां राघव चंडे चड्डे करके दित्तियां होईयां ने। भारत ने एशियाई खेडां दे महिला क्रिकेट मुकाबले दे फाइनल विच श्रीलंका नूं 19 दौड़ां दे नाल हरा के 100 तगमा जित लिया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच मैं तुहाडे सब तों आग्या चाहुंदी हां। धन्नवाद।